नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। आई एम सो सॉरी, आज की रीडिंग में थोड़ा सा डिले हो गया। ओके, आई वॉज अ लिटिल बिजी इन द मॉर्निंग, सो सुबह आप लोगों के लिए मैं कोई भी रिकॉर्डिंग या रीडिंग नहीं कर पाई थी। क्लासेस भी चल रही थी। ओके, सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ऑल दो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल रीडिंग ओनली। दूसरा, जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए एंड उनके चेहरे के ऊपर ध्यान अपना पूरा उनके चेहरे के ऊपर बनाए रखिए। ये रीडिंग सभी के लिए है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्रश के लिए देख रहे हैं, दोस्त के लिए देख रहे हैं, किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए है। ऑल राइट, एनी पर्सन, एनी बडी। तो कंबाइंड मैसेजेस होंगे। लेट अस बिगिन विथ टूडेज रीडिंग। ओके, आई विल नाउ लाइट द कैंडल फॉर यू। चलिए देखते हैं, आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है? ऑल राइट, लेट्स सी। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। सबसे पहला सिंबल, नंबर 8। ऑलरेडी 8वां महीना, मैं ये रीडिंग जुलाई सॉरी अगस्त के महीने में कर रही हूँ, सो 8th month इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ऑल्सो सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, एज आई ऑलवेज से, नंबर 8 इन्फिनिटी की तरह भी दिखता है। तो आप में से काफी सारे लोग, हो सकता है कि किस इस पर्सन के साथ में किसी उलझन में फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पंजा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे शेर का पंजा होता है। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है वो एक विक्टिम का रोल प्ले कर रहा है शायद आपके सिचुएशन में। देर इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉपिंग, नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत इस सामने वाले इंसान के मन में आपके प्रति। ये मैसेज भी सभी के लिए नहीं होगा, सो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही प्लीज मैसेजेस को पिक करें। आई कैन ऑल्सो सी एंजेलिक प्रेजेंस ओवर हियर। दिस कुड बी द प्रेजेंस ऑफ आर्के एंजल माइकल, या आर्के एंजल माइकल की प्रेजेंस हो सकती है। आर्के एंजल माइकल इन अ वे इज गाइडिंग यू एंड ट्राइंग टू सेव यू एंड प्रोटेक्ट यू, आपके कनेक्शन को, और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं इनफैक्ट। ओके, उनका तो नेम ही काफी है, नेम में ही बहुत पावर है। ऑल राइट, आई कैन ऑल्सो सी हियर कि आप लोगों का जो अभी तक की जो सिचुएशन चल रही है, ये कुछ कुछ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। एज इन कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है आपके कनेक्शन में, तो ये जल्दी ओवर होगा। ओके, आपकी जो नैया है एक तरीके से वो किनारे लगने वाली है। दिस पर्सन इज लॉयल टू यू। ओके, दिस इज वन मैसेज दैट आई एम गेटिंग। अगेन वी हैव अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी ओवर हियर। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये एक लॉयल पर्सन है आपके टूवर्ड्स, काफी ज्यादा लॉयल है। आज के दिन में इनकी एनर्जी बड़ी स्लो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं। इनका जो रूट चक्र है, हो सकता है कि वो ज्यादा ओवर एक्टिवेटेड हो। इंट्यूटिवली मैंने आप लोगों के लिए आज रेड कलर की कैंडल पिक करी है। राइट, सो मूलाधार चक्र, रूट चक्र जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। एज इन इनका ध्यान आज दिन भर में दुनियावी चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, इनके करियर की तरफ ज्यादा रहेगा, मनी मेकिंग की तरफ ज्यादा रहेगा। ओके, या अपनी खुद की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में ये ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये पर्सन जो है पास्ट की किसी चीज को एस्केप करने के बारे में सोच रहे हैं, और काफी कुछ चीजें अपने मन में छुपा करके जैसे बैठे हुए हैं, और सही समय पर ही ये उठेंगे। पंजा यहाँ पे पहले ही दिखाई दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सिचुएशन में कोई इंसान ऐसा है जैसे कि कोई दाव लगा करके बैठा हुआ है, या सही समय का कोई इंतजार कर रहा है, और सही समय आने पर ही एक्शन या डिसीजन लिया जाएगा। दोबारा से क्रैकलिंग और पॉपिंग साउंड आ रही है। ओके, आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो है, इनके मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आज के दिन में हो सकती है, या आज के दिन में ये
थोड़े से एंगर इश्यूज इनके डेवलप हो सकते हैं, या इन जनरल ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो सकता है। कन्फर्मेशन है, फ्लेम को देखिए जरा, इतनी बड़ी फ्लेम हो गई है। गुस्सा आ रहा है किसी को भैया, बहुत ज्यादा, कोई आपके जो पर्सन है इनको शायद गुस्सा आ रहा है, और ये उस गुस्से को सही से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, मे बी अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो शायद पहले आपसे लड़ लेते होंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते होंगे, और अभी तो बिल्कुल बातचीत भी नहीं हो रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किसको ब्लेम करें या अभी किससे लड़ें, अभी किसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। ओके, मे बी आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया गया है इस कनेक्शन में, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक फ्रस्ट्रेटेड एंड फीलिंग वेरी रिग्रेटफुल। अभी फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट की एनर्जी में जा रहे हैं, जैसे कि कोई बात इनके हाथ से निकल गई और अभी हाथ मल रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या बोलूं। ओके, ऐसे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि जैसे पीछे से ये इंसान कहीं स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या पास्ट की कोई बात है, कोई पर्सन है इनके पास्ट में से जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या कोई चाहता नहीं है कि इनकी लाइफ में इनकी ग्रोथ हो, या आपके रिश्ते में आप लोग साथ में बंध हो, या आप लोगों की एक साथ में मिल करके कुछ ग्रोथ हो। यहाँ पे जो लेटर्स अभी तक मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेटर डी है, लेटर बी है, लेटर सी है, यहाँ पे लेटर ओ भी है, लेटर एम भी है, या डबल ओ दोबारा से किसी के नाम में आ सकते हैं, सिंस वी हैड अ लेटर एट सॉर्ट ऑफ अ सिंबल। ठीक है, ओ आ सकते हैं, मल्टीपल ओ आ सकते हैं नाम में किसी के। लेटर एम भी यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है। गणपति जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोगों के ऊपर हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गणेश जी में मानते हैं या गणपति जी में विश्वास रखते हैं बहुत ज्यादा, और वो विघ्नहर्ता है। तो आप लोगों की सिचुएशन में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली हटाने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटी सी टिप दे रही हूँ मैं स्पेल कास्टर्स को, जो इस समय पर स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं सावन के महीने में, और स्पेशली जो लोग अभी लायंस गेट पोर्टल जो ओपन हुआ हुआ है इसमें स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप गणेश जी के साथ में अपना स्पेल वर्क कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर क्लाइंट्स। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, एनी काइंड ऑफ रोड ओपनिंग वर्क यू कैन डू इस समय पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आपके जो डिवाइन है वो आपके ऊपर तो नज़र रख ही रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर भी नज़र रख रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्शन में लेकर के चल रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है वो खुद ही आपके लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते भी हैं कि आप लोगों के सिचुएशन में कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन हो, कुछ तो ऐसी चीज़ हो कि इनको लगे कि यूनिवर्स जो है वो आप लोगों के कनेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर इनके आसपास में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो इनके कान भर रहे हैं आपके अगेंस्ट। ये मैसेज मुझे नहीं पता किसके लिए है, बट दिस मैसेज इज़ फॉर समबडी, के इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इनके कान भर रहा है, और जो मेल पर्सन है जो नहीं चाहते हैं कि आपका और इनका साथ इस आपका और इनका साथ हो, या आप एक कनेक्शन में आप बंध हो, या कभी आप लोगों का फ्यूचर में कुछ रिलेशनशिप बने, इस तरीके की एनर्जी है। इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो थोड़े से आज ये इमोशनल कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले ही बोला आपको इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्र ज़्यादा एक्टिवेटेड है आज के दिन में, और ये काम काम काम, करियर, एम्बिशन, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। राशि भी जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले हो सकते हैं, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। स्ट्रांग मैस्कुलाइन एनर्जी है, विद द एयर एलिमेंट इज ऑल्सो कमिंग। ठीक है, ऑल दो वी आर वर्किंग विद फायर एंड वाटर, लेकिन फायर एंड वाटर की एनर्जी सबसे ज़्यादा कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में एक फ्लेम आप लोगों के लिए बड़ा था, बट वो एक मैसेज कन्फर्मेशन आप लोगों के लिए था। ऑल राइट, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। ओके, लेट्स डू सम साइकिक इंटरप्रिटेशन। वॉट इज दिस पर्सन डूइंग राइट नाउ जब आपको ये रीडिंग मिल रही है? ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कहीं जा रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज वॉकिंग, या ये कहीं स्टेयर्स या एलिवेटर्स में है, लिफ्ट में या सीढ़ियों में है या एस्केलेटर्स में है। ओके, कुछ शॉपिंग रिलेटेड प्लान भी मुझे इस इंसान का दिखाई दे रहा है। ओके, फॉर मैनी पीपल
ये पर्सन हो सकता है कि इस टाइम पर दे आर थिंकिंग अबाउट फूड ऑल्सो. आई कैन सेंस दैट एनर्जी दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट फूड. कुछ थॉट जो है वो किसी पर्सन के माइंड से आ रहा है, किसी गाड़ी से या किसी ट्रैवल से जुड़ा हुआ. नो, नॉट एग्जैक्टली ट्रैवल, बट मे बी अ कार और अ बाइक और समथिंग जिसके बारे में सोच रहे हैं. मे बी कुछ रिपेयर करवाना है या कुछ खरीदना है, ठीक है, या कहीं मे बी कार में बैठने के लिए जा रहे हैं या बाइक पर बैठने के लिए जा रहे हैं या स्कूटी पर बैठने के लिए जा रहे हैं, जो भी है. ओके, सो ट्रैवल रिलेटेड कुछ व्हीकल है कुछ इनके माइंड में जो इस टाइम पर आ रहा है. कलर जो सबसे स्ट्रांगली मुझे इंडिकेट हो रहा है आज के दिन में वो नीला रंग है. ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आर कमिंग अप, सारे नीले शेड्स आ रहे हैं, लाइट, डार्क, ओके, इंडिगो. मे बी ये रंग जो है ये आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, आपने पहने हुए हो सकते हैं या आपके पर्सन ने आज के दिन में पहना हुआ हो सकता है कुछ इस कलर का, ठीक है. क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो डेनिम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं. यूजुअली डेनिम्स जो होते हैं वो ब्लूइश शेड्स में होते हैं ज्यादा, सो वो हो सकता है जीन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो एक इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और बड़े बिजी बिजी लग रहे हैं लेकिन बॉडी में एनर्जी लेवल बड़ा कम है आज. ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इनका ना कहीं से कहीं उठ करके जाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे बस खाना पूर्ति के लिए चीजें करते हैं ना, उस तरीके से बस चीजें चल रही हैं, ठीक है. सो ये आज की एनर्जी है गाइस इनकी. अभी मैं आप लोगों के लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी, सो स्टे ट्यून. जल्दी आप लोगों को टैरो अपडेट भी मिल जाएगा. जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग भी देखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग भी देख सकते हैं. फिलहाल इस रीडिंग के लिए लाइक जरूर दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज. और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा. आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.